गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस ऑल डूइंग वेल। सो आज हमारे पास है गाइस बजाज की डोमिनार 400। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, थैंक्स टू रौनक बजाज जिन्होंने हमें ये बाइक दिया रिव्यू करने के लिए। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी गाइस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। सो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस, और वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको विंडशील्ड मिलती है, यहाँ पे आपको दो होल्स मिल जाते हैं ताकि एयरवेंट्स के लिए, और यहाँ पर गाइस आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग में आपको मिरर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको हैंड गार्ड्स मिलती है गाइस, नकल गार्ड दोनों तरफ आपको मिल जाती है। थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको LED में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। अब नीचे आ जाते हैं गाइस और बात करते हैं इसके हेडलैम्प की। तो जस्ट लुक एट द हेडलैम्प गाइस, ये जितनी छोटी है उतनी पावरफुल है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ आपको LED DRS देखने को मिल जाता है, बीच में आपको लो भी मिलती है गाइस, और यहाँ यहाँ पे आपको दो हाई भी मिल जाती है। और इसकी जो हेडलाइट के जो थ्रो है बहुत ही स्ट्रांग है गाइस, आप अगर रात में अगर गाड़ी चला रहे हो तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर गाइस आपको रेडिएटर देखने को मिल जाता है, और अंदर की तरफ आपको एक सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है गाइस, और नीचे की तरफ आपको देख सकते हैं आप कैटलिटिक कन्वर्टर भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़े सस्पेंशन की। तो यहाँ पर गाइस आपको 41 mm के अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी थिक है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इस ग्रीन कलर में गाइस पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिश में आपको मडगार्ड देखने को मिल जाता है ग्रीन एंड ब्लैक में। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके अलॉय व्हील्स, टायर और ब्रेक्स की। तो अलॉय से शुरू करते हैं। पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है गाइस। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, डिजाइनिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। उसकी टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको MRF के रेव्स टायर देखने को मिल जाती है। टायर सेक्शन की बात करें तो वो आपको मिलती है 110/70 R17 की, आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाती है, जो कि आपको हाई स्पीड कॉर्नरिंग में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देगी। अब इसकी ब्रेक्स की बात करते हैं तो इस तरफ आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी बड़ी आपको डिस्क देखने को मिलती है। जिसकी साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 320 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ABS के रिंग मिल जाती है। और इसकी ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बाइब्री के ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर वाले, फ्लोटिंग कैलिपर वाले आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं गाइस इसके पीछे की तरफ, यानी पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर पीछे में क्या मिलती है। सस्पेंशन की बात करेंगे यहाँ पर, टायर की बात कर लेंगे और साथ ही साथ ब्रेक्स की भी। तो सस्पेंशन से शुरू करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विथ नाइट्रोस देखने को सस्पेंशन मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोस कैनिस्टर है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको मड प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं गाइस इसके टायर की, अलॉय व्हील की। तो यहाँ पर भी गाइस आपको काफ़ी खूबसूरत अलॉय व्हील देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और यहाँ पर टायर सेक्शन की बात करें तो आपको 150/60 R17 की आपको टायर देखने को मिल जाती है। ये भी गाइस रेडियल टायर है MRF के रेव्स, जो कि आपको हाई स्पीड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और इसकी ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको 230 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल यहाँ पर ABS की रिंग है, क्योंकि गाइस इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइस, सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब गाइस इसकी साइड लुक की बात कर लेते हैं, तो डायमेंशन से शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले। तो यहाँ पर इस गाड़ी में जो आपको लेंथ मिल जाती है वो आपको मिलती है 2056 mm इस गाड़ी, और विड्थ जो मिल जाती है गाइस वो आपको मिलती है 863 mm की, और हाइट जो मिल जाती है वो आपको मिलती है 1243 mm। साथ ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो आपको मिल जाती है गाइस 1567 mm, और यहाँ इस गाड़ी में जो आपको सीट हाइट मिलती है वो आपको मिल जाती है 800 mm की। इसकी व्हील बेस की बात करें तो वहाँ पर आपको 1453 mm की व्हील बेस मिल जाती है देखने को, और कर्व वेट की बात कर लेते हैं तो वो आपको मिलती है 193 kg। थोड़ी सी हेवियर साइड है पर ठीक है गाइस, इतनी 400 cc की गाड़ी है तो थोड़ी मोड़ी तो हेवी होगी। तो ये था गाइस इसकी डायमेंशन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके साइड की तरफ, तो इसके टैंक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप सबसे पहले देखेंगे डोमिनार की 3D में आपको बैजिंग मिल जाती है ना। यहाँ पर टैंक के ऊपर आपको कुछ डिजिटल में आपको देखने को मिलता है गाइस, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पर आपको मेटल में फ्यूल कैप देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको टैंक पेड देखने को मिल जाती है गाइस। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है, और इसमें 3 लीटर आपको रिजर्व रखना पड़ेगा गाइस। और थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कूलेंट कंटेनर देखने को मिल जाता है गाइस, और यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्टडी है और काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन भी दे रही है। यहाँ पे आपको कूलेंट जो कंटेनर है उसको ही प्रोटेक्शन मिल जाता है।
और यहाँ पर इंजन की तरफ आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DTSI की आपको ट्रिपल स्पार्क की आपको बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। इंजन के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। और पीछे की तरफ आते हैं गाइस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइडर किलो फुटरेस्ट एलुमिनियम, आपको रियर ब्रेक लीवर मिल जाती है और यहाँ पर आपको रियर ब्रेक ऑयल मिल जाता है और यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी बड़ी भी है ना। मैं एक बार आपको इसकी ऑन करके सुनाता हूँ साउंड। साउंड तो काफ़ी लाउड है गाइस, काफ़ी बेस है, बेस है क्योंकि जो एक स्पोर्टी वाली फीलिंग दे रही है गाइस, एक रेव जब करते हैं ना तो एक स्पोर्टी वाली फीलिंग आती है, साउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। अब आ जाते हैं इसके पीछे की तरफ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैरियर देखने को मिलेगा जिसमें आप अगर टूरिंग वूरिंग कर रहे हैं गाइस तो यहाँ पर आप अपना कुछ सैडल बैग्स आप अपना लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है उस। और नीचे की तरफ आ जाते हैं गाइस तो यहाँ पर आपको फुल्ली LED आपको टेल लैंप देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको LED में ब्लिंकर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको LED में ही नंबर प्लेट लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं आपको D400 की आपको 3D में बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि सिल्वर फिनिश में है। और इसकी लेफ्ट साइड की तरफ आएँ तो सेम आपको वही चीज़ मिल जाता है गाइस, बस यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो आपको जो चेन मिलते हैं ना वो ओपन चेन सिस्टम मिल जाती है और चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस देखने में। तो जिसको आपको अगर आप टूरिंग करते हैं या फिर आप सिटी में भी ट्रैवल करते हैं तो आपको 500-600 में तो इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आपको टायर प्रेशर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है गाइस। और इसमें आपको मेन स्टैंड नहीं आता, सिर्फ साइड स्टैंड आती है और इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन कट ऑफ फीचर भी आ जाता है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी आपको वार्निंग मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। और सेम आपको यहाँ पर क्रैश गार्ड देखने को मिल जाता है गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके हैंडल बार और फीचर्स की। तो हैंडल बार से शुरू करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको सिंगल रॉड में आपको हैंडल बार देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं यहाँ तक आपको क्लच मिल जाती है जो कि ठीक है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। यहाँ पर आपको पास की स्विच मिल जाती है गाइस, यहाँ पर हाई बीम लो बीम करने के लिए। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की स्विच मिल जाती है और यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाती है गाइस। और यहाँ पर आपको जितने भी स्विचेस मिलते हैं ना गाइस सारी बैकलाइट मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पर आपको बैकलाइट मिल जाती है। और थोड़ी सी जो मेरी तबीयत है गाइस जो थोड़ी ख़राब हो रही है तो उसके लिए सॉरी। सो और राइट साइड की तरफ आते गाइस तो यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंजन की स्विच मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको हेडलाइट की बटन मिल जाती है गाइस, स्विच मिल जाती है। और यहाँ पर आपको मिल जाती है इंजन स्टार्ट की बटन जो कि बैकलाइट है गाइस जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक्शन कैमरा लगाने के लिए गाइस पर्टिकुलर आपको जगह मिल जाती है जहाँ पर आप लगा सकते हैं इजिली। और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं जिससे आप अपना ये फ़ोन ईजिली चार्ज कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलती है। मैं अब एक बार फिर से इसको ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये आप देख सकते हैं गाइस। तो ऊपर की साइड गाइस आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है जैसे कि मेरा अभी जो इंजन की स्विच है ये ऑफ है, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको साइड स्टैंड डाउन की आपको नोटिफिकेशन आ जाती है उस और रिफ्यूल की भी। और यहाँ पर आप गाइस आपको टेकोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर फ्यूल गेज, यहाँ पर ABS की लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल की, इंजन मेलफंक्शन की लाइट और यहाँ पर वार्निंग की लाइट मिल जाती है। और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको RPM लिमिटर भी मिल जाता है। और यहाँ पर गाइस आते हैं टैंक की तरफ तो यहाँ पर भी आपको सेकेंडरी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, ओडोमीटर, यहाँ पर आपको मोड की बटन मिलती है और सेलेक्ट की। तो मोड में हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको Trip 1, Trip 2 और इन्फो का मिल जाता है गाइस। और टैंक की बात हम लोग कर ही लिए थे गाइस, यहाँ पर आपको 13 लीटर के टैंक देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको टैंक पैड देखने को मिलता है। सीट की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, यहाँ पर आपको डोमिनर के D की लोगो मिल जाती है और यहाँ पर आपको छोटी सी बैकरेस्ट देखने को मिलती है जो काफ़ी क्यूट लग रही है गाइस देखने में। इसकी फ्रेम की बात करेगा स्विंगआर्म की तो फ्रेम यहाँ पर आपको बीम टाइप पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिल जाती है। और इसकी स्विंगआर्म की बात करें तो वो आपको मिल जाती है बॉक्स टाइप स्विंगआर्म देखने को, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस। इसके इंजन की बात करें गाइस तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंजन कॉल देखने को मिल जाता है जो कि प्लास्टिक और मेटल दोनों में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी इंजन की बात कर लेते हैं आप तो यहाँ पर आपको 373.3 cc की सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve DOSC FI BS6 इंजन देखने को मिल जाता है जो कि लिक्विड कूल्ड है गाइस। और इसकी मैक्स पावर की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 40 HP के 8800 RPM में। और इसकी जो टॉर्क की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 35 Nm की 6500 RPM।
साथ ही इसके गेयरबॉक्स की बात कर लेते हैं गाइस, तो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड की गेयरबॉक्स देखने को मिल जाती है विद असिस्ट एंड स्लीपर क्लच, जिससे आपकी जो गियर शिफ्टिंग है ना काफ़ी स्मूथ होगी और आपको क्विक शिफ्ट करने में काफ़ी मज़ा आएगा गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके कलर की और प्राइस की। तो यहाँ पर आपको ग्रीन और एक गन मेटल कलर में आपको देखने को मिल जाती है गाइस, जो कि दोनों तो अच्छी लग रही है पर पर्सनली मेरे को ग्रीन कलर काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। ये क्राउड में आपको ऑन रोड में काफ़ी स्टैंड आउट करेगी। सो अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको एक्स शोरूम रांची में 2,24,783 में मिल जाती है, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो आपको मिल जाती है गाइस 2,73,468। सो गाइस वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।